बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। मध्य प्रदेश के लिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। बता दें कि मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहाँ पर जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है वो जारी कर दी है बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर। तो इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर महेंद्र सिंह का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहाँ पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुँचा रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। जी अंकित, आज मध्य प्रदेश के लिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है, इस पर क्या अपडेट है? जैसे से लोकसभा चुनाव का जो वक्त है, जो वोटिंग की जो डेट है, जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक दल लगातार अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर रहे हैं। कल कई राज्यों के स्टार प्रचारकों की सूची भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी की गई है, क्योंकि स्टार प्रचारकों की सूची भारत निर्वाचन आयोग से अप्रूवल होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो या जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो निर्वाचन आयोग अपने स्टार प्रचारकों की सूची भेजते हैं, इसके बाद वो अप्रूवल मिलता है। तो कल भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश से ही पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह जो कि मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं, उनको भी स्टार प्रचार की सूची में शामिल किया गया है। नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, नितिन गडकरी हैं, तमाम 40 लोग के आसपास की संख्या है स्टार प्रचारकों की, जो क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सीटें हैं वहां पर ये लोग प्रचार प्रसार करेंगे, उनकी जनसभाएं होंगी, उनकी रैलियां होंगी। आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी रैलियां उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज का जो नॉमिनेशन है वो आज आखिरी दिन है। आज नॉमिनेशन फाइल होने के बाद अब जितने भी प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में उतरे हैं, वो लोग चुनाव प्रचार प्रसार से उतर जाएंगे और अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करेंगे, मतदाताओं को ये प्रयास करेंगे कि उनके पक्ष में वोट करें। तो कुल मिला के 40 जो स्टार प्रचारक हैं उनकी सूची भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल, बिहार, अन्य राज्यों के लिए भी स्टार प्रचारकों की सूची भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी कर दी गई है। जी 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 अंकित जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि अब अमित शाह और पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नाम इन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका कितना ज्यादा फायदा होने जा रहा है? देखिए, जो पूरा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं थी, इनको ये जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो जब भी अपनी रैली जनसभाओं में जाएंगे उसको बताने का काम करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे महत्वपूर्ण जो अहम मुद्दा है वो श्री राम मंदिर का मुद्दा है अयोध्या में, जो 22 जनवरी को जिसका शिलान्यास हुआ, जिसका जो लगातार लगभग दर्शन हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी और बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से ये उम्मीद में है कि जो उन्होंने लक्ष्य दिया है 400 सीट भारतीय जनता पार्टी के आएगी, तो उसी को लेकर ये लोग अपनी रणनीति बना रहे हैं और लगातार लोगों के बीच जाएंगे, अन्य राज्यों में भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी दौरे मध्य प्रदेश में भी लगे हैं, उत्तर प्रदेश में भी लगे हैं, बिहार में भी लगे हैं, पश्चिम बंगाल में भी लगे हैं, अन्य राज्यों में जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर सभी जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां लगी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर सफलता 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाई थी, वहां से पहले शुरुआत होगी और वहां ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का जोर होगा कि वहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। जी जी अंकित, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, महेंद्र सिंह और पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम तो शामिल है, ऐसे में और कौन कौन से नेता के नाम जो है वो इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं? देखिए, जो इस
स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हैं, राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, शिव प्रकाश हैं, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव हैं, विष्णुदत्त शर्मा हैं, सतीश उपाध्याय हैं, जगदीश देवेंद्र हैं, राजेंद्र शुक्ल हैं और इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं वो भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं, प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजय वर्गीय हैं, जयभान सिंह पवैया हैं, राकेश सिंह हैं, लाल सिंह आर्या हैं, नारायण कुशवाहा हैं, तुलसी हैं और जो कई नाम हैं गोपाल भार्गव हैं, सुरेश पचौरी हैं, कविता पाटीदार हैं और भी कई ऐसे नाम हैं, लगभग 40 लोगों की सूची है जो स्टार प्रचारकों में शामिल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।